28 स्वयं शुभम। ओके, एक आंसर आया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं हम लोग, और लोगों से नहीं हुआ या ट्राई ही नहीं किए, क्या बात है, नहीं हुआ या ट्राई नहीं किए। इफ नंबर ऑफ आर 112 पर मिनट, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पर मिनट कैलकुलेट करना है। सो थीटा जब 60 डिग्री है ना, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ साइन थीटा बाई टू, करेक्ट। यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। सो हम लोग ये कर सकते हैं कि 112 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin 30 का पावर 4। सो ये देगा आपको 112 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या देगा, 1 बाय कितना, साइन 30 बताइए, 1/2 पावर 4, ठीक है। सो 112 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60, इसको 1 कर लीजिए। एन इक्वल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 मीन्स 45, सो 45 का पावर 4, सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 45 बोलिए, 1/√2 पावर 4 कितना हो जाएगा, ये n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 सेकेंड है, ये फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लीजिए, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेंशन नहीं है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लीजिए। सो 112 बाय n इज इक्वल टू 16/4। So what is n? N is equal to 4 × 16, so 112 by 4, 8 × 32, 8 × 32, so 28 is the answer, correct sir? Sure. Can you show the upper slide? Yes, of course. ये सॉल्यूशन का स्लाइड देखी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एन एंगल 90 डिग्री, ये कैलकुलेट करना था हमें। सो दिस इज द आंसर। यस सर, डन डन। चलिए नेक्स्ट है अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट था रेडियस का, दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या क्या हम लोग देखे हैं कंक्लूजन में, एक तो हम लोग वॉल्यूम का रेशियो देखे थे कि सर वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10^15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये एक रिजल्ट था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स का, जो कुछ कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था उसमें। दूसरा रिजल्ट था हमारा आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, करेक्ट, यहाँ पे जो आर नॉट होता था ये कांस्टेंट था और ए जो है वो एटॉमिक मास है और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। ओके पल्लवी सिंह, खुशी क्वेश्चन सेंड कर देना। ओके कौन सा क्वेश्चन सेंड करना है, ए इज मास। जो तीसरा रिजल्ट हम लोग देख रहे थे वो था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड बाय एन एंगल थीटा, एंड थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 पावर 4, ये ना, तो ये हमारा तीन रिजल्ट था इसका। चौथा रिजल्ट हम लोग देखते हैं क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फोर्थ जो कैलकुलेशन है वो है
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम होता ये है कि सर जो न्यूक्लियस और एटम आप कंसीडर किए थे ये मान लीजिए सर आपका न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है ये एक एटम है जिसमें पहला सेल है ये सो इस एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर जो भी डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे ना वो डिस्टेंस इस एटम के लिए इन्फिनिटी होता है सो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है जिस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये ए जो पॉइंट है ये इन्फिनाइट पे है यहां से आप क्या किए अल्फा पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंके क्या किए यहां से ये अल्फा पार्टिकल है यहां पे इस अल्फा पार्टिकल को पॉइंट से वी इसको आप यहां से फेंके क्या होगा ये वॉइस कट रहा है वॉइस कट रहा है यस सर यस सर यस सर नहीं होना चाहिए ऐसा अपने से वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा नेट स्पीड बढ़िया है 200 केबीपीएस का स्पीड दे रहा है चलिए टेम्परेरली कुछ इशू होगा सर आप ठीक है सर हाँ सर तो टेम्परेरली होता है सो गाइस हम लोग इंडिया में हैं भूल जाते हैं क्या सो अल्फा पार्टिकल का यहाँ से आप भी अल्फा से फास्ट है यहाँ से आप भी वेलोसिटी से आप इसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इम्पैक्ट करवा रहे हैं इस एटम पे जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होता जाएगा ना एक पॉइंट आएगा जहां से ये क्या होगा जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और फिर इस रिपल्सन की वजह से ये यहां से लौट जाएगा ये यहां से लौट जाएगा ये अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि सर ये जो हम लोग देखते थे रिपल्सन विथ 180 डिग्री अल्फा पार्टिकल का जो रिपल्सन 180 डिग्री से देखते थे उसी में हमको ये चीज फाइंड आउट करना है कि क्या वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच करके आता था या न्यूक्लियस के दूर से ही रिपेल हो जाता था बाहर दूर से ही रिटर्न हो जाता था ये चीज हमें ये आर मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है कि न्यूक्लियस के कितना पास तक ये अल्फा पार्टिकल जा पाता है और ये बात किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दिस इज आर मिनिमम एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट पहले ये समझ कि क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या हमको कैलकुलेट करना है अगर हम किसी पॉइंट से इंफिनिटी से वी वेलोसिटी से पार्टिकल्स को अगर हम इंपैक्ट करवा रहे हैं किसी एटम पे तो वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये न्यूक्लियस पे जब ये न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो न्यूक्लियस से ये रिपल्सन फील करेगा हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये न्यूक्लियस को कितना क्लोज तक अप्रोच करता है क्या ये न्यूक्लियस को टच करता है या उससे पहले ही रिटर्न हो जाता है ये चीज हमें फाइंड आउट करना है तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब समझ में आया यस सर चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं सर कि इट इज अप्लीकेबल It is applicable only for those alpha particles Amisha थोड़ा focused होइए और देखिए हम जैसे ही ये लिखते हैं तो फिर से explanation आएगा It is applicable only for those alpha particles which are traveling straight traveling straight to the nucleus उसी का तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे ना आप टू द न्यूक्लियस
That is particles which are returning back to their own path. Hello. नहीं हम तो रिमूव नहीं किए. नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, या तो आप उनका अगर नंबर है जो ये हमारे ग्रुप को देखते हैं ना, वो अगर कुछ किए होंगे तो मे भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा या कैसे किए हैं उनसे हो गया होगा, तो देख लीजिए उनसे एक बार बात कर लीजिए. हम लोग तो इस ग्रुप में कुछ करते ही नहीं है. ये ग्रुप जो है ये M3 के नाम से समथिंग है, आपको वो नंबर आपके पास शायद ये ठाकुर सर को बोल सकते हैं मैम, ये वो बात कर, हाँ उनके पास नंबर होगा, ठाकुर सर को फोन करके बोल देंगे कि एक बच्चे का ये प्रॉब्लम आ रहा है सर आपका, तो वो फोन करके बोल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिन अभी दिख नहीं रहे हैं ग्रुप में भी. हाँ उनसे बात करिए, क्लास तो चालू है ना. ठीक है. चलिए रिज्यूम करते हैं. ठीक है. सो ट्रेवलिंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस, दैट इज हम लोग ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल विच आर रिटर्निंग बैक, पार्टिकल विच आर रिटर्निंग बैक, विच आर रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ. टू देयर ओरिजिनल पाथ. बस प्रॉब्लम ये है गाइज, हमको सिर्फ ये देखना है, हम आपको सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो ये क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे वो किस अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे. तो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में पढ़े थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर जाता है, कुछ अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के क्लोज से जाते हैं तो वो अपना लार्ज एंगल से डेविएशन शो करते हैं, लेकिन वेरी वेरी फ्यू 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक होते हैं. तो ये जो रिटर्न बैक होते हैं वो वही अल्फा पार्टिकल होते हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस को इनकाउंटर करता है ना, जिसके पाथ में डायरेक्ट न्यूक्लियस इनकाउंटर होता है वो रिटर्न होता है. तो हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना चाह रहे हैं कि वो कितने क्लोज तक न्यूक्लियस के पास जाता है और कहां से वो रिटर्न आता है, ये आर मिनिमम हमको जानना है. क्लियर अमीशा? यस सर. यस सर. रखिए, सुनते रहिए क्लास में. एक चीज मैं कई बार रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, है ना, उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर पूछिए. सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फा पार्टिकल हुज ट्रैवलिंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस, दैट इज पार्टिकल व्हिच आर रिटर्निंग बैक टू देयर ओन पाथ. हम सिर्फ उस अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करेंगे जिसका हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस को डायरेक्ट इनकाउंटर करता है, तो वो कितना पास तक जाता है. तो क्या क्या चीज हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए. हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियली जो अल्फा पार्टिकल है वो आर इक्वल टू कितना पे है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है. इनिशियली अगर हम बात करेंगे इसमें, इनिशियली जो आर है सर इसका, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी है सर. ये इन्फिनिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, चांद पे जाके बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है, चांद से नहीं फेंक रहे हैं इसको. ये इन्फिनिटी का मतलब है कि एटम के फील्ड से बाहर की बात है, ये न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर कोई भी पोजिशन इन्फिनिटी ही होता है. ये तब रिपल्सन फील करना शुरू करेगा जब ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ये, तब ये रिपल्सन फील करना शुरू करेगा. राइट, प्रताप एंट्री हो गया क्या? ठीक है. अल्फा पार्टिकल इनिशियली आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां तक क्लियर है? तो इन्फिनिटी का मतलब आपको समझ में आया. तो सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर? तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखे थे, जब दो चार्ज पार्टिकल के किसी प्लेन में होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का आप एक्सप्रेशन क्या लिखे थे? तो सर ये लिखे थे आप के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर लिखे थे, फोर्स में आर स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में आर लिखे थे, और आर कितना है, इन्फिनिटी है. तो क्या हम इसको जीरो लिख दूं? सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं. सर कैनेटिक एनर्जी कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा. सो कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
into velocity of alpha particle by which is projected, जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, चलेगा ये पॉइंट? अब मान लीजिए कि इस बी पॉइंट से ये रिटर्न हो रहा है, यही मुझे न्यूक्लियस से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है, आर मिनिमम यही होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच यही होगा। जहां से ये रिटर्न कर रहा है, क्या इस बी पॉइंट पे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, किसी सेकेंड के लिए, किसी मोमेंट के लिए, क्या ये रुकेगा? क्या वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी? उसके बाद ही तो रिटर्न होगा ना। तो क्या हम यहां पे ये मान ले कि काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सर यहाँ पे वी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, सर वेलोसिटी ऑफ अल्फा जो है वो जीरो होगा यहाँ पे उस टाइम के लिए, तभी वो रिटर्न बैक आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी होगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर मिनिमम। क्या डन है ये? सो क्या यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, गलत बोलते हैं, बोलिए। सो सर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ए पे ये पार्ट जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर मिनिमम। क्या बोलते हैं, बोलिए, क्या ठीक लिख रहे हैं ये? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, तो ये रिलेशन अपने पास आया क्लोजेस्ट अप्रोच का। सर अब यहाँ पे क्या होगा कि सर एम अल्फा हमें पता है क्या? हाँ पता है सर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है 4 AMU, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है। वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो इम्पैक्ट करवा रहा है, किस वेलोसिटी से वहां से ये अल्फा पार्टिकल को आप मूव करवा रहे हैं, ये वेलोसिटी आपको गिवन होगा। सर क्यू वन और क्यू टू ये क्या है, दो चार्ज, एक अल्फा का चार्ज है और एक एटम के न्यूक्लियस का चार्ज है। जिस एटम पे ये अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट हो रहा है उस एटम का न्यूक्लियस का चार्ज है, ये दोनों क्यू के बारे में समझ रहे हैं आप। तो क्या क्यू वन हमको पता है? हाँ पता है, क्यू वन अल्फा पे टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा क्यू टू पता है, क्यू टू न्यूक्लियस का चार्ज है, वो एटम मेंशन होगा क्वेश्चन में हमें कि किस एटम पे ये बम्बार्डमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं बात? तो उस एटम के जेड से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है न्यूक्लियस में, और इसीलिए वहां पे क्यू टू कितना है ये पता चल जाएगा। तो अगर ये सारे चीज के क्या है, ये कॉन्स्टेंट है 9 × 10⁻¹⁹ मीटर, तो सर आर मिनिमम अगर निकालना होगा तो वी का वेलोसिटी देगा, और अगर आर मिनिमम गिवन होगा कि यहां तक पहुंच रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच ये है, तो बताओ किस वेलोसिटी से उसे फेंका जा रहा है, तो सर हम भी निकाल सकते हैं। यही दो यहाँ पे अननोन है, ये भी अननोन है और ये आर मिनिमम अननोन है, तो वी वेलोसिटी देगा तो आर मिनिमम पूछेगा, आर मिनिमम देगा तो वेलोसिटी पूछेगा। क्या बोलते हैं? यस यस सर, डन। चलिए डन है, तो चलिए देखिए एक छोटू सा क्वेश्चन देखिए। An alpha particle is projected from infinity with velocity v naught. With velocity v naught towards the nucleus, of gold atom, समझ में आ रहा है आपको?
गोल डेटम दे दिया, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज पता चल गया आपको। फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है? पहली बात आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम। ठीक, आर मिनिमम फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है आपको वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस टू आर मिनिमम। या इस आर मिनिमम को ऐसा कीजिए, आप आर नॉट लिख लीजिए, ठीक है? तो टू आर मिनिमम में हम टू आर नॉट लिख सकते हैं। सो टू आर नॉट पे डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालना है। तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेस only to r not by 2। बस आपको हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। कीजिए अटेम्प्ट जरा फास्ट। आया किसी को? बिट फर्स्ट का आंसर आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मे बी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे टफ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम एक्सप्रेशन ला करके छोड़ देंगे, कैलकुलेशन करना अपना काम नहीं है।
चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है। क्या क्या हमको गिवन है? अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विद वेलोसिटी वी नोट, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी है वी नोट, ओके। एंड द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड कहने का मतलब चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, लेट्स से इसको हम क्यू टू मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो 79 इंटू ई, 79 प्रोटॉन होंगे और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, सो 79 ई, ये होगा टोटल चार्ज, ठीक लिखे हैं, ओके। और क्या चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, रहने देते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मुझे नंबर में पुट करना होगा तो हम रखेंगे 4 AMU, लेकिन नहीं रखना है नंबर में तो हम ऐसे रख सकते हैं एम अल्फा रख लेंगे, एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ देंगे, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, डन हो गया। चलिए यूज कीजिए हाफ ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखते थे हम लोग, हाफ ऑफ एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर मिनिमम, आर मिनिमम तो दिखाए हैं, तो आर नॉट है यहाँ पे आर मिनिमम, यही आर नॉट हमको निकालना है, ठीक है। तो व्हाट इज आर नॉट, दिस आर नॉट इज इक्वल टू के इनटू क्यू वन का वैल्यू कितना 2e, क्यू टू का वैल्यू कितना के इनटू 2e इनटू 79e डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर, हो गया ये एक्सप्रेशन या कुछ गड़बड़ है तो बताइए। क्या ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा 79 फोर जा 316, सो 316 इंटू के इंटू ई स्क्वायर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या आर नॉट का यही वैल्यू है, अब अगर मुझे एक्सप्रेशन तो यही है, अब अगर हमें नंबर कैलकुलेट करना हो तो सबका वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको, एक्सप्रेशन लाना है मुझे, कैलकुलेशन थोड़ी करना है, एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, बोलो। सर कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड, कैन वी शो द प्रीवियस स्लाइड बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस, यू आर नॉट रिटन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, कौन सदाब? यस सर, क्या हो गया था आपके साथ प्रॉब्लम? सर नेटवर्क बहुत खराब था तो ज्वाइन हुआ था, फिर होस्ट जो थे वो मुझे रिमूव कर दिए थे, ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, आप क्लास अभी यहां से कंटिन्यू करिए ना, लास्ट में हम लोग फर्स्ट स्लाइड से देख लेंगे, ठीक है? ओके सर, क्लास जब एंड होगा ना उसके फर्स्ट स्लाइड से। ओके सर, अभी इंटरप्ट करने से कोई फायदा नहीं। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Q2, कोशिश करिए यहाँ से पकड़ने का चीजें, कहाँ से क्या जा रहा है, ये सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एम अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पता है हमें, हीलियम 2+ आयन होता है, सो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। हम यहाँ पे ये चीजें नया है आपके लिए, ये रिजल्ट हम अभी प्रूफ किए हैं क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, ये रिजल्ट लाए थे ड्राइव करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके, तो कोई बात नहीं आप यहाँ करिए, बाद में पीछे का स्लाइड देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू 2e इंटू 79e बाय 1/2 इंटू एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर, सो ये एक्सप्रेशन निकल के आया सर, सबका वैल्यू रिस्पेक्टिव रख देंगे, आंसर आ जाएगा, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये है हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर नॉट। ये सिचुएशन क्या है जरा समझिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन सर, माय आंसर इज 153 इनटू 10 टू द पावर 9। अमीशा आंसर नंबर में आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो हम राइट या रॉन्ग नहीं बता सकते हैं आपको। ऐसे प्रोसेस चेक कर लीजिए, राइट है तो ओके, हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोसेस चेक कर लीजिए। ये एटम है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सर यहां से आप ए से, यहां से ए पॉइंट से आप अल्फा पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से इंपैक्ट करवा रहे हैं, और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसका आर नॉट, ये हमें अभी पता चला कि ये आर नॉट जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका। ये जो पॉइंट बी है, ये और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है, जो अभी आप कैलकुलेट किए हैं ऊपर, आर नॉट का वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं, राइट। लेकिन आप सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ पे, 2 आर नॉट डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट सी, ये यहां से इसका डिस्टेंस, चार्ज पर इसका डिस्टेंस 2 आर नॉट। इस पॉइंट पे आप पूछ रहे हैं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 2 आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 2 आर नॉट डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको निकालना है। क्या क्वेश्चन यही है, क्लियर है? चलिए, ये अगर इन्फिनिटी है ए पॉइंट, तो आपको पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो लेते हैं, और कैनेटिक एनर्जी हम लोग कितना लेते हैं, हाफ ऑफ एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर, ठीक। अब इस बार हमें सी पॉइंट पे कंपेयर करना है। सी पॉइंट पे मान लीजिए, सी पॉइंट पे वेलोसिटी वी अल्फा है, यही वी अल्फा हमको कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे सर ना तो कैनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ना तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आप कितना लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय 2 आर नॉट जो डिस्टेंस है, और कैनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, चलिए ऊपर लिख लेते हैं कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, यही वी अल्फा हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड सी लगा दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। At the point A and C, तो क्या लिख पाएंगे कि सर हाफ ऑफ एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर ए पॉइंट पे इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस के क्यू वन क्यू टू बाय 2 आर नॉट। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सर हाफ ऑफ एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस के क्यू वन क्यू टू, कितना सर क्यू वन क्यू टू कितना, 2e 79, कितना हो जाएगा 2e × 2e × 79e डिवाइडेड बाय 2 आर नॉट। क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं या कोई दिक्कत? के लिए है, के लिए है, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आर नॉट है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या हम इस आर नॉट का वैल्यू यहां से रख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में क्या हम आर नॉट कैलकुलेट किए हैं? सो फ्रॉम फर्स्ट क्या हम ये कर सकते हैं कि हाफ ऑफ एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर बाय हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर प्लस के इंटू या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 158 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर नॉट का वैल्यू क्या था 316 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर। क्या यही लिखे हैं, देखें चेक कर लीजिए एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। आर नॉट का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए,
क्या ये के ई स्क्वायर कैंसल होगा? बिल्कुल होगा। क्या बचेगा? शायद ये भी कैंसल होगा टू से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आ जाएगा वन बाई टू एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ये एम अल्फा वी ऊपर लेके जाते हैं, एम अल्फा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फोर हो जाएगा क्या? क्या हम ठीक लिखे हैं या कुछ गड़बड़ किया है? बोलिए। नो सर, सही है। सही है। चलिए अल्फा वी अल्फा को इसको ले आइए इधर, ये दोनों टर्म हमको सेम लग रहा है। सो हाफ हाफ ऑफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर माइनस वन बाय फोर ऑफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन बाई टू एम अल्फा वी अल्फा वी नॉट स्क्वायर, एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। सही लिख रहे हैं हम, वन बाई टू एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो क्या हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? फोर यहाँ पे टू होगा या फोर? फोर होगा सर, फोर। राइट, सो ये टू टू जा फोर, एम अल्फा से एम अल्फा कैंसल। सो हम सर वी अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट बाय अंडर रूट टू लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व हो गया सर, अगर इनिशियल वेलोसिटी के नंबर में हमको दिया रहता है, वी नॉट का अगर वैल्यू दिया रहता तो वी नॉट बाय रूट टू आंसर हो जाता। दिस इज वी अल्फा। सो सी पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वी नॉट बाय रूट टू होगा, और वो सी पॉइंट न्यूक्लियस से कितना दूर है? टू आर नॉट पे, मिनिमम डिस्टेंस का डबल पे है। दिस इज द वेलोसिटी। क्या थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे क्या? ना जी, थोड़ा सा स्लाइड अप करें। ओके, ये लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। लिखिए लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखिए। डन सर। डन हो गया। वेरी गुड। डन है। चलिए तो ये सारे तीसरा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में आप बोलिएगा, मैं बना दूंगा, नो इशू। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिए, टाइम नहीं मिलता है क्लास में आपको ट्राई करने का, तो इसको हम होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कीजिएगा मीनिंग को, कोशिश करिएगा इसको करने का, जो भी आंसर आएगा बताइएगा, जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट अप्लीकेशन और रिजल्ट अगर कम्प्लीट हो गया तो हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आप लोग बताइए क्या ड्रॉबैक है? पहला ड्रॉबैक ये है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए इस पॉइंट को हम और लार्ज एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे हैं, He could not explain the stability of atom. As कि आप लोग 9th पे भी ये बात पढ़े होंगे कि सर क्या होता है
कि ये जो डिस्क्राइब किया कि सर ये न्यूक्लियस है और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। सो फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल जबकि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में रोटेट करता है तो क्या होता है कि टाइम टाइम के हिसाब से ये अपना एनर्जी लॉस करते जाता है और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के जिसके इन्फ्लुएंस में ये रोटेट करता है उसके क्लोज आता चला जाता है। तो ये स्पाइरल पाथ के थ्रू क्या होना चाहिए था, एटम के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था और एटम्स कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। एटम्स तो स्टेबल है, एटम तो कोलैप्स नहीं होता है, समझ रहे हैं बात। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेसिस लेकर के बोला गया कि सर अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन ये चार्ज स्पेसिस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो जब किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो ये फिजिक्स बताती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलता है कि सर ये एनर्जी को लॉस करेगा धीरे धीरे और एक टाइम होना चाहिए था जिसमें ये न्यूक्लियस में गिर जाता और एटम कोलैप्स कर जाता, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये सब थ्योरी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा पॉइंट्स लिखे हैं कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम क्यों स्टेबल है। बाद में बोर्स थ्योरी जब आया तो बोर्स ने क्या किया, एक पोस्टुलेट्स बना दिया, उसने प्रूफ नहीं दिया लेकिन उसने बोला कि सर नहीं ये फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, एटम के साथ ऐसा नहीं होता है। एटम के साथ क्या होता है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये जो बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट और ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये कभी अपने आप से बाय डिफॉल्ट कम या ज्यादा, लार्ज या स्मॉल या लार्ज नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब आप बाहर से एनर्जी को सप्लाई करेंगे या एटम एनर्जी रिलीज करे, तभी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन पॉसिबल है। अपने आप से बाय इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे हमेशा रोटेट करते रहता है सर, जिसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और सेल का नाम दिया था। तो ये बोर्स ने उसको पोस्टुलेट्स बना दिया, बोला कि नहीं एटम के साथ ऐसा होता है, प्रूफ नहीं दिया, कोई मैथमेटिकल वेरिफिकेशन नहीं दिया ऐसा, लेकिन पोस्टुलेट्स कि एटम के साथ ये चीजें, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऐसा रदरफोर्ड नहीं बोला, तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम स्टेबल कैसे, ठीक। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरी बात जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी, जो आगे बोस थ्योरी के बाद पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में इसका कोई डिस्कशन नहीं मिला सर, कोई कंक्लूजन नहीं मिला। डन है चीज। चलिए हम लोग कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानेंगे अभी। पहला टर्म हम लोग लिखते हैं किससे लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड से लिखते हैं। क्या होता है एटॉमिक नंबर बताइए कोई, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे सर, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, क्योंकि डोनेट एक्सेप्टर शेयर होता है, प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट होता है, वेरी गुड। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। चलिए भाई साहब आप ही ने बताया है। यहां पे हम एक चीज और ऐड करते हैं, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू
the total number of electron the total number of electron present inside the absolute gaseous present in the isolated गैसियस एटम, ठीक ना? समझिए जरा, आपको ये बोला गया कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो जेड होता है सर, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और जेड, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑलवेज, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू डिफाइन एटॉमिक नंबर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉन्स्टेंट एंड एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट फैक्टर. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है सर एटम का, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेरिएबल थिंग्स. जब कोई एटम्स कंबाइंड फॉर्म में जाता है, कंबाइनिंग जब कोई कंबाइन करता है या आयनिक फॉर्म में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है, बट एटॉमिक नंबर फिर भी कॉन्स्टेंट होता है. सर एटॉमिक नंबर सोडियम का भी 11 होता है और सोडियम प्लस का भी 11 होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 10 ही बच जाते हैं सर, है ना? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होता है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डिफाइन एटॉमिक नंबर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात. और दूसरी बात जो हम लिखे हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वेन इट इज इन आइसोलेटेड स्टेट, वेन इट इज इन नेचुरल स्टेट, जब सोडियम सोडियम के फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ई इक्वल टू पी होता है सर. तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, बट अगर ये आयोनाइज फॉर्म में चला जाएगा तब हम नहीं कर सकते ऐसा, यही बात हुई ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये जब आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो आप आइसोलेटेड गैसियस एटम जरूर ऐड करेंगे. इट इज आल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड केस. जब ये कंबाइंड केस में नहीं होगा, कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा. सो सर एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑलवेज नहीं होता है, ये तब होता है जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में है, जब एटम कंबाइंड स्टेट में नहीं है, आयनिक फॉर्म में नहीं है, नेचुरल फॉर्म में है, तब होता है. क्लियर? यस यस. सो एटॉमिक मास, कैपिटल ए से लिखते हैं इसको, एटॉमिक मास या मास नंबर. ये क्या होता है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. रदरफोर्ड ने तो बोला था ना कि ओवरऑल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में होते क्या है? तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स, जिसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है. पढ़े हम लोग ये प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो इसको हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं क्या? और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. अरे भाई साहब, आप लोग सेडेंट क्यों हो? न्यूक्लियॉन्स नहीं सुने हैं? फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही हम आपको सुनाए थे न्यूक्लियॉन्स क्या होता है. सो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो ए इज इक्वल टू पी प्लस ए, also equal to number of nucleons. Clear? तीसरी बात है, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब आप लोग अगर एक्सक्यूज करेंगे ना कि सर अब केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग 9th 10th तक नहीं भी पढ़े हैं तो इससे बेसिक क्या हो सकता है। 9th 10th में यही सब पढ़ते हैं और क्या करते हैं। तो अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, नोट्स को फॉलो करेंगे सब चीज को, तो जो 9th 10th में नहीं भी पढ़े हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा आगे, ये नहीं होगा। और अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना। सो अब एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर 9th 10th में नहीं पढ़े थे, बेस अच्छा नहीं था, इसीलिए नहीं हो रहा है। अब इससे बेसिक क्या होगा। सो सर ये एक्स एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, और इसके नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ये फिक्स है। लेकिन मास नंबर फिक्स नहीं है, मास नंबर को टॉप पे लिखते हैं लेकिन आप लेफ्ट और राइट दोनों में लिख सकते हैं, है ना। लेफ्ट में यहाँ लिख लीजिए या आप ए यहाँ भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक का कन्वेंशन है कि ए को भी वो टॉप लेफ्ट में लिखता है, तो हमने टॉप लेफ्ट में लिख दिया। तो ये होता है तरीका एटम को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें ये एक्स जो आप देख रहे हैं वो सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। जो आप ये जेड देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट में, दैट इज एटॉमिक नंबर। और जो ये टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं वो है हमारा मास नंबर। तो ये तरीका है अपना एटम्स के रिप्रेजेंटेशन का, राइट। लाइक आप देख सकते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, आप नाइट्रोजन लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, चलेगा एटसेट्रा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 92-238। बताइए तो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जेड इज इक्वल टू पी, और शायद इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में तो है नहीं, तो हम शायद लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 92। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी क्या बात हो जाएगी, दूसरी बात हो जाएगी कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो 146 माइनस 92, 146, क्या बात है, वेरी गुड। तो सर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया और न्यूट्रॉन मिल गया, बढ़िया है, करेक्ट है, बड़ा इजी था। चलिए सेकंड कीजिए, यहाँ पे हम कुछ पार्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे उसका मास नंबर का कॉलम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कुछ चीजें फील्ड है, कुछ चीजें आपको फील्ड करना है। पहला है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, बाकी सब खाली है, आपको फिलअप करना है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, बोलिए। कैल्शियम के एटम है, इसमें आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कि 20 होता है इसका, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 20, रेस्ट ऑफ फील्ड यू हैव टू फिल। कर लेंगे, यस सर, करिए फिर। सोडियम के आयन है, सोडियम आयन, ठीक है ना, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 12 है,
ठीक है। अब सारे फील्ड आपको फिलअप करने हैं इसमें, जो जो खाली है, ये 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 आपको फिलअप करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केवल आपको दिया हो। आप लोग कीजिए फिर हम फिलअप करते हैं। सर डन, डन हो गया सबका? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए करते हैं फिलअप। सो नाइट्रोजन सर, जितने इलेक्ट्रॉन है, एटम है, आयन तो है नहीं, तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, तो प्रोटॉन 7, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो 7। मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 7 + 7 14। कैल्शियम एटम में आइए सर, न्यूट्रॉन 20 गिवन है, एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, क्योंकि एटम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर इक्वल होगा। एटॉमिक नंबर 20 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 20, तो ये हो जाएगा मास नंबर 40। डन। सोडियम आयन, अब सोडियम आयन में न्यूट्रॉन 12 है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? सोडियम का 11 होता है, 11 होता है, तो प्रोटॉन 11 होंगे। अच्छा, सोडियम आयन कैसा बनाता है? हमको यहाँ पे सोडियम कैटायन लिखना चाहिए था मोर क्लियर, बट सोडियम मेटल होता है, आपको पता है सोडियम आयन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 10। आता है बात समझ में? चलिए, मास नंबर कितने होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11 + 12 = 23। डन। सो कहने का ये मतलब था कि सर यहाँ जो आप सोडियम देख रहे हैं ना, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, समझिए सोडियम प्लस बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सर ये जो सोडियम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये बात आप समझिए। जो आयन्स होता है ना सर, ये दो टाइप के होते हैं, केटायन और एनायन। क्या सब होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायन और नेगेटिव चार्ज आयन एनायन, राइट? बट केटायन जो बनता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलेगा? अब अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप बताइए कि प्रोटॉन में कोई चेंज आया है क्या? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, होगा ना? लेकिन प्रोटॉन इज इक्वल जीरो, प्रोटॉन छोटा हो कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, होगा ना? लेकिन प्रोटॉन और जर तो सेम ही रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंपैरिजन क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे क्या? यस सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए नेगेटिव के साथ नहीं रखते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। फर्स्ट सल्फेट आयन SO4 2-, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। सेकेंड फॉस्फेट आयन PO4 3-, थर्ड, अब थोड़ा टफ होगा क्या? बोलिए, NH4+ PO4 3-, सल्फेट SO4 2-. बोलते हैं
करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रो एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं लिख दूंगा, आपको जो रफ वर्क करने हैं वो मैं लिख दूंगा। आप लोग ट्राई करिए, नहीं नहीं हमेशा बताना नहीं है, आप लोग ट्राई करिए, अपने कॉपी पे लिखिए, कोशिश करिए, देखिए कितना सही कितना गलत होता है, ठीक है ना। हमें नहीं बताना है, हम तो यहाँ करेंगे, फिर आप मैच कर लीजिएगा क्या सही कितना सही हुआ, है ना। दो तीन मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। करिए डन हो गया, सब लोगों का कंप्लीट फिलअप कर लिए, तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब लोग लिख लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। SO4 2 माइनस, सबसे पहले प्रोटॉन कैलकुलेट करिए कितना होगा। आपको मैं रफ वर्क के लिए ये चीज बता दूं, रफ वर्क के लिए अगर किसी को आइडिया नहीं है तो सल्फर होता है 1632, आई होप सबको पता होगा, फिर भी ऑक्सीजन होता है 816, फास्फोरस आपको लेना है 1531, नाइट्रोजन लेना है 714, और किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपको 11 लेना है, प्रोटियम वाला पार्ट लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो देखिए आप प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, इसमें सल्फर के लिए 16 एटॉमिक नंबर, 16 प्लस 8 इसका है, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, सो 8 फोर जा 32, 32 प्लस 16 48, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 48। सर ये SO4 होता ना तो इलेक्ट्रॉन भी इतने होते, लेकिन 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सो 48 प्लस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 50, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, मास नंबर को कैलकुलेट कीजिए माइनस प्रोटॉन कीजिए, कितना आएगा, क्या इस दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही है, बिकॉज मास नंबर जस्ट डबल है, 16 टू जा 32, 8 टू जा 16, सो ऑक्सीजन और सल्फर में दोनों में सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम ही है, तो इसका मतलब प्रोटॉन टोटल जितना आया है उतना ही न्यूट्रॉन भी आएगा, 48। सबका करेक्ट है क्या, या गलती किए हैं कुछ लोग? यस सर करेक्ट है। फास्फोरस
PO4 फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरस का प्रोटॉन निकालिए, 15 है ये, और ये होगा कितना, 32, 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 47, तो 47 हो जाएगा, 3 माइनस है, इलेक्ट्रॉन कितना लिखूं, 15, न्यूट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन कितना होगा देखिए, फॉस्फोरस में ऑक्सीजन में तो सेम है, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, मतलब 32 न्यूट्रॉन, लेकिन फास्फोरस में 31 है, जबकि प्रोटॉन कितना है, सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 15, न्यूट्रॉन कितना है 16, सर न्यूट्रॉन यहाँ भी होगा 48, क्या ये भी सबका करेक्ट है? यस सर, वेरी गुड। चलिए NH4 प्लस क्या करना है, पहले प्रोटॉन लिखिए, नाइट्रोजन 7 प्लस 4 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 11। चलिए सर, पॉजिटिव चार्ज है NH4, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे कितना, n, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना लिखेंगे, क्या जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन या कुछ और, सर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7, वाओ ग्रेट, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन 0 है, आया बात समझ में? Yes, ये sir. गलती किए थे लोग या नहीं, नहीं किए थे गलती कोई? नो सर। वाह क्या बात है, वेरी गुड। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसो सीरीज, आइसो सीरीज, आइसो सीरीज में हम लोग, आइसो मीन्स सेम होता है, सो कुछ सेम होगा, कुछ सेम होगा मीन्स एटॉमिक नंबर अगर सेम हुआ, मास नंबर डिफरेंट हुआ, तो आइसोटोप्स, सो इस आइसो सीरीज में हमें आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडेफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये सारे स्पेसिस पढ़ने हैं, सो फर्स्ट टर्म है हमारा आइसोटोप, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या ठीक लिख रहे हैं, तभी तो एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नोन एज आइसोटोप्स, ये कब होगा, ए डिफरेंट कब होगा, अगर ए डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ए माइनस जेड भी डिफरेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होना चाहिए, ए माइनस जेड डिफरेंट, समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, फर्स्ट हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटोप्स लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर 1, 2 एंड 3, सो सर डिफरेंट क्या है, जेड इक्वल टू पी, सब में है 1, 1, 1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 0, 1 और 2 होते हैं, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है, अगर ए देखेंगे आप तो ये भी डिफरेंट है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो मास नंबर भी डिफरेंट है, क्या ठीक है ये बात, आप दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन के देख सकते हैं, इन जनरल ऑक्सीजन के दो ही आइसोटोप्स देखते हैं आप, O16, O18, हम O17 भी ले लेते हैं चलेगा, कुछ परसेंटेज में ये भी होता है, 18 भी होता है, सो यहाँ भी Z इक्वल टू P, सारे 88 हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8, 9 और 10। जेड तो सबके डिफरेंट है, ए तो सबके डिफरेंट है, 16, 17, 18। क्लियर है बात? दिस इज आइसोटोप्स। सेकेंड टर्म है अपने पास आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन किसको बोलते हैं? एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एलिमेंट्स having same number of neutrons is called isotones. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि z भी different होगा and a भी different होगा, mass number भी different। same क्या होगा? number of neutrons same होगा, मतलब a minus z, number of neutron is equal to a minus z, ये होगा same। तो इसको लेंगे हम लोग आइसोटोन्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, ये होता है 19, ये होता है 20, ये है 40 और ये है 39। सो यहाँ पे n इक्वल टू a माइनस जेड, सॉरी a माइनस जेड कितना होगा, ये 20 होगा क्या, और ये भी 20, तो ये सेम हो गए ना। तो एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो मास नंबर सेम है। सेम क्या है? डिफरेंस सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। तीसरा भी लिखी देते हैं, आइसोबार्स, आइसोबार्स, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। सेम मास नंबर ए, ए सेम है, जेड डिफरेंट होगा, जेड डिफरेंट होगा, ए सेम होगा, ए माइनस जेड जो है वो भी डिफरेंट होगा। ए माइनस जेड क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ये भी डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं बात? फर्स्ट है आपके पास आर्गन और कैल्शियम, ये 1840 होता है और ये 2040 होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। क्लियर है? दीज आर आइसोबार्स। और भी कई सारे आइसो के फॉर्म है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो डाइफर है, आइसो स्ट्रस है, तो ये हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करेंगे। सर नोट्स, सर नोट्स सदाव। चलिए और सब लोग लिख, यहाँ तक कॉपी हो जाए तो मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ तक सबका हो गया? यस यस सर। जिसका नहीं हुआ है लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे जा रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ओके डन। चलिए आज हम लोग क्लास कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नहीं ये क्वेश्चन से किए थे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था आपका, वो सोल्यूशन है उसका। ये है फर्स्ट स्क्रीन आपके पास, और हो जाए तो थोड़ा यस बोलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बोलिएगा यस। डन। हो गया सर? आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। यस सर। मेरा स्क्रीन फ्रीज नहीं हो गया है, आपको आपको दिख रहा है सॉल्यूशन दिख रहा है या नहीं? नो सर, आइसोबार्स जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ाया वही दिख रहा है। अच्छा अभी सर, अभी वही है, अभी वही है। चलिए मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये होता है प्रॉब्लम। अभी बताइए, सर अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए
तो फर्स्ट स्क्रीन ले लीजिए, यही स्टार्ट किए थे। डन हो गया फर्स्ट, बड़े आगे। यस सर। चलिए सेकंड स्क्रीन आप यहां से ले लीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये रहा सेकंड स्क्रीन। डन। तो फिर से फ्रीज हो गया, फिर से फ्रीज हो गया सर। सर जिसके हाँ, पास है नोट्स उसको बोल दीजिए कि व्हाट्सएप। हाँ, एक एक लोग ग्रुप पे, ग्रुप पे भेज दीजिए आज का क्लास नोट्स। कौन भेजेंगे बताओ, ये बेटर होगा। आज का क्लास नोट्स जो अच्छे से लिखे हैं कौन भेजेंगे? बोलिए खुशी। सर आई विल सेंड। यस भेज देंगे क्लास नोट्स। ठीक है सर। ठीक है, आज का जो भी हुआ है वो फोटो उठा करके ग्रुप पे भेज दीजिए आज का क्लास नोट्स। ओके, ऐसे सब भेजेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप भेजेंगे, अभी जस्ट भेज दीजिए। ओके ठीक है।